हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच। आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टर का केस। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्टर अगर इंडिविजुअल है, ट्रांसपोर्टर का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, उसको ऑपरेट करने का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कैसे कैसे खर्चे आएंगे और उसको कैसे कैसे हम लोग को मैनेज करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मिस्टर गजनी ओन से फ्लीट ऑफ टैक्सीज, टैक्सी है उसके पास बहुत सारी, फ्रॉम द एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय हिम। और उसने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है। पहला, नंबर ऑफ टैक्सीज कितना है उसके पास, 10 टैक्सीज है, ठीक है, 10 टैक्सीज उसके पास है। उसके बाद एक कॉस्ट है टैक्सी का 54,600। दूसरा दिया सैलरी टू मैनेजर, मैनेजर को वो 700 पर मंथ पे करता है, अकाउंटेंट को 500 पर मंथ पे करता है, सैलरी टू क्लीनर 200 पर मंथ पे कर रहा है, मैकेनिक को 400, गैराज रेंट 600, एनुअल टैक्सेस पर टैक्सी के ऊपर जा रहा है उसका 900, उसके बाद दिया है ड्राइवर सैलरी, फिर दिया एनुअल रिपेयर्स, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर दिया है टोटल लाइफ ऑफ टैक्सीज अबाउट 20 लाख, ये 20 लाख नहीं है, 2 लाख किलोमीटर्स है, एंड टैक्सी रन फॉर 300 किलोमीटर इन ए मंथ एंड 30% ऑफ द डिस्टेंस इज रन विदाउट द पैसेंजर। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, पेट्रोल कंजम्पशन दिया है, देखो यहाँ पे ऑयल एंड सेंडरी एक्सपेंसेस दिया है इतना। अब आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर। एक किलोमीटर, आपको पता है कि आपने कोई टैक्सी बुक किया होगा, जैसे ओला उबर से आप बुक करते हो, या कोई शादी के लिए आप कोई कार बुक करते हो, तो वो एक चार्ज लेते हैं, जैसे 3,000-5,000, या आपको बोलेंगे कि हम लोग वी विल चार्ज यू 50 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज करें। तो 50 रुपीज़ ये कैसे उन्होंने बताया, वाई नॉट 40, वाई नॉट 30, वाई नॉट 60, ओनली 50 क्यों, या 40 हो सकता है, कुछ भी एक अमाउंट हो सकता है। तो वो पहले क्या करते हैं, उनका पूरा कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट के बाद देखते हैं कि कितना वो रन कर सकती है वो टैक्सी या जो भी कार है, और उस हिसाब से वो लोग कॉस्ट डिसाइड करते हैं और फिर अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करते हैं। आई बात समझ में, यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो याद रखना ये वाला, ये 20 लाख नहीं है, 2 लाख किलोमीटर है, मतलब पूरे लाइफ में वो सिर्फ 2 लाख किलोमीटर चलेगी। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, उसका कॉस्ट निकालना है, फिर कॉस्ट निकाल के ये देखना है कि पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है। आई बात समझ में? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ये समझना ज़रूरी है कि निकालना क्या है। तो निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है, तो ये कॉस्ट ही दिया है ना, बराबर है, टू रन पर इफेक्टिव किलोमीटर, तो किलोमीटर भी निकालने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी किलोमीटर्स दिए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये जो खर्चा आपके पास इतना सारा दिया है, इसको हम लोग बाइफर्केट करेंगे दो पार्ट में, एक होगा फिक्स्ड, एक होगा रनिंग चार्जेस, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपको ध्यान नहीं आया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, इट्स ओके, आधा या एक मार्क कटेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से फिक्स्ड है और कौन से रनिंग चार्जेस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीधा आपको आना है, पहला लिखना है स्टेटमेंट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिखना है, फिर यहाँ पे इसका वर्किंग दिखाना है। आप इसके नीचे भी दिखा सकते हैं, लेकिन साइड में करेंगे या बाहर करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, पर्टिकुलर के आगे फिक्स चार्जेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको रनिंग चार्जेस लिखना है। तो वो रनिंग चार्जेस कौन से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा रनिंग चार्जेस करके लिख देते हैं। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। मैं ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिक्स चार्जेस क्यों है और ये रनिंग चार्जेस क्यों है। तो टोटल चार्जेस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो फिक्स चार्जेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो दिया है, नंबर ऑफ टैक्सेस दिया 10, तो ये नंबर दिया, तो ये कॉस्ट से मतलब नहीं, हाँ ये कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी। तो याद रखना ये खर्चा कैपिटल खर्चा होता है, मतलब ये वन टाइम होता है, 10-15 साल तक अभी उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी कैपिटल खर्चा होता है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे,
याद रखना, कैपिटल खर्चे को अपन क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब देखो सैलरी टू मैनेजर, अब आप मुझे बताओ मैनेजर को सैलरी दोगे तो वो फिक्स्ड होगा या रनिंग होगा? तो मैनेजर को जो सैलरी जाता है चाहे वो रन हो या ना हो, मैनेजर को तो आपको फिक्स देना ही पड़ेगा, तो ये आपका फिक्स चार्जेस है। आई बात समझ में? अब आप बोलेंगे सर पर ईयर का कैलकुलेट करना है पर मंथ का, तो देखो सब इन्फॉर्मेशन क्या है पर मंथ में दी है मोस्टली, तो पर मंथ के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक टैक्सी का निकालेंगे, एक टैक्सी का निकालेंगे तो फिर 10 टैक्सी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक टैक्सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो मैनेजर को सैलरी मिल रहा है 700 पर मंथ, ये पूरी 10 टैक्सी के लिए है, तो एक टैक्सी का कितना होगा, तो डिवाइड करने का, तो इसलिए पहला जो फिक्स चार्जेस है वो है सैलरी टू मैनेजर, तो 700 था, तो 700 डिवाइड बाई 10 आएगा तो आएगा 70। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से निकालना है, तो ये आपका फिक्स हो गया, तो ये वाला फिक्स था, बराबर है। अब देखो अकाउंटेंट, अकाउंटेंट आपको पता कैसे चलेगा, अभी टैक्सी है, टैक्सी रन हो या ना हो, अकाउंटेंट मैनेजर को सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है, तो वो भी 500 रुपये लेके जाएगा। अब ये फिक्स है तो ये भी फिक्स्ड है, लेकिन ये जो फिक्स्ड है ये 10 टैक्सी के लिए उसको मिल रहा है, तो एक टैक्सी का कितना, तो सैलरी टू अकाउंटेंट हम लोग लिखेंगे 500 डिवाइड बाई 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपीस। समझ में आया? तो ये दो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सैलरी टू क्लीनर, अब क्लीनर जो रहता है वो क्लीन करता है गाड़ी को, तो जब जब गाड़ी बाहर जाती है पैसेंजर को लेने या पैसेंजर को छोड़ने, तब तब क्लीन करना पड़ता है, तो जितनी बार गाड़ियां जाएंगी उतने बार क्लीन करना पड़ेगा, तो ये फिक्स नहीं है, नहीं है, नहीं जा रही है, खड़ी रहेगी तो क्लीन नहीं करना पड़ता, कभी कभी करना पड़ता है। तो क्लीनर की जो सैलरी होती है वो रनिंग होती है, जितना ज़्यादा रन होगा उतना ज़्यादा उसको सैलरी देना पड़ता है, तो क्लीनर की जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, रनिंग चार्जेस हो जाएगी। लेकिन ये 200 रुपया पूरी 10 टैक्सी का दे रहे हैं, तो एक टैक्सी का कितना, तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 20 रुपये। समझ में आया क्या नहीं आया? नेक्स्ट आपका दिया ये मैकेनिक, तो जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा गाड़ी खराब होती है, तो मैकेनिक का भी रनिंग है, तो रनिंग चार्जेस आएगा, वेरिएबल आएगा, तो ये 400 रुपया रनिंग है 10 टैक्सी के लिए, तो उसके नीचे हम लोग मैकेनिक का लिख देंगे, तो 400 डिवाइड बाय 10 आपको कितना मिलेगा, 40 रुपीस। समझ में आया? तो ये भी हो गया। फिर गराज रेंट दिया, देखो गैरेज रेंट जो है, अब गैरेज रेंट में वो रन हो या ना हो, टैक्सी बंद भी पड़ी रहे तो भी गैराज में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो गैराज इज फिक्स्ड और पर मंथ कितना है, 60 रुपया, और ये कितनी टैक्सी को रखता है, 10, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये फिक्स चार्जेस हो गया, तो गैराज रेंट 600 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60 रुपीस। अब एनुअल टैक्सेस क्या होता है आप ही बताओ, अब टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, आप टैक्सी को रन करो मत करो, ज़्यादा करो कम करो, टैक्स तो भरना ही पड़ता है, हर चीज़ पे टैक्स भरना पड़ता है, तो पर टैक्सी है तो वो फिक्स है, तो ये फिक्स चार्जेस में चला जाएगा, तो फिक्स चार्जेस है, बराबर है। अब ये 900 रुपया पर टैक्सी है, और ये क्या एनुअल है, और हम लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, सब पर मंथ का लिख रहे हैं, देखो पर मंथ का, तो 900 को आप 10 से मत डिवाइड करो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टैक्सी का है, तो डिवाइड बाय किससे होगा, 12 से होगा, इसलिए देखो एनुअल चार्जेस यहाँ पे लिखा टैक्स, 900 डिवाइड बाय 12 किया, आंसर आया 75। समझ में आया? तो ये भी हो गया, तो यहाँ तक हो गया। अब ड्राइवर की सैलरी है पर टैक्सी, तो ड्राइवर की सैलरी है वो क्या फिक्स्ड रहती है, नहीं, वो तो रन होती है। आई बात समझ में? तो पर टैक्सी का निकाल रहे, तो ड्राइवर का तो पूरे साल का थोड़ी है, वो पर मंथ का ही है, तो ड्राइवर का सैलरी इज रनिंग चार्जेस, तो हम लोग इसको रनिंग चार्जेस में लिख देंगे ड्राइवर सैलरी, और इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, सीधा 350 आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ड्राइवर का सैलरी है, फिर ये भी हो गया। फिर एनुअल रिपेयर है, एनुअल है तो डिवाइड बाय कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि हम लोग पर मंथ का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो रिपेयर्स भी देखो क्या है। अब आप बताओ रिपेयर्स क्या फिक्स्ड होते हैं, नहीं, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो इट इज़ अ रनिंग, तो ये भी नीचे जाएगा एनुअल रिपेयर, और डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 83.33, राउंड फिगर कर लेने का। ये भी हो गया। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, अब इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है, 5% पर एनम दिया है, ये रुपीज नहीं है, पर एनम है। अब ये 5% इंश्योरेंस किसका निकलता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस निकलता है तो वो कितना ह्यूमन लाइफ पे निकलता है, बॉडी पे निकलता है, तो सेम वे में 5% निकल रहा है तो वो टैक्सी पे निकलेगा, तो टैक्सी का कॉस्ट कितना है,
54,560, तो 54,560 का 5% निकालेंगे, आई बात समझ में। और ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, हर साल फिक्स जाना ही जाना है, तो हम लोग निकालेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। और इसका कैलकुलेशन देखो कैसा होगा, 54,600 इंटू 5% इंटू 1/12, मतलब 12 महीने का। ये क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पर एनम दिया, पर एनम मतलब फुल ईयर, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 5% निकालो 54,600 का, 5% 54,600 का निकालो और उसके ऊपर डिवाइड बाय 12 करो। तो इसलिए देखो डिवाइड बाय 12 किया है, तो आंसर कुछ आएगा 227.50। आई बात समझ में, देखो पूरा कर लिया हम लोग ने। और कोई चीज़ बची है? यस, और भी बहुत सारी चीज़ बची है। ये लाइव बताया है, ये 2,00,000 है, 20,00,000 नहीं है, किलोमीटर चलती है, तो चलने दो, अपने को क्या करना है, जितना चलेगी उतना अच्छा है, ठीक है। फिर 300 इन ए मंथ चलती है, तो ये मंथ का इन्फॉर्मेशन दिया है, ये पूरी लाइफ का दिया है। और 30% ऑफ द डिस्टेंस इज रन विदाउट एनी पैसेंजर, 30% ऐसा है कि कोई भी पैसेंजर रन नहीं करता है। फिर आगे देखो पेट्रोल, अपन पहले सब खर्चे ले लेते हैं। तो ये पेट्रोल का कंजम्पशन है कितना है, 1 लीटर में, यहाँ पे दिया है 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो चलती कितना किलोमीटर है। तो हम लोग ये पर मंथ का डेटा ले रहे हैं, तो देखो इसलिए पर मंथ का डेटा यहाँ पे दिया है, 3000 किलोमीटर चल रही है। तो 3000 एक लीटर में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बराबर है। और वो चलती कितना है, 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर उसके नीचे लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो आपको आंसर आएगा। तो आप इसको अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई कितने में चलता है। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आई थिंक आपको 3000 × 1/10 होगा, और डिवाइड बाय 10 होगा तो ये 300 हो जाएगा। और 300 किलोमीटर चलती है, 300 लीटर लगता है, और 1 लीटर का भाव कितना है, 4.14। तो 4.14 से मल्टीप्लाई कर दो, आई बात समझ में। तो 4.14 पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो इसलिए अब ये क्या है, फिक्स्ड की रनिंग है, रनिंग है भाई, जितना ज़्यादा चलेगा उतना आएगा। तो पेट्रोल, तो पेट्रोल का कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे 3000 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 किलोमीटर। क्यों 10 से किया, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 10 किलोमीटर चलती है, तो 3000 में कितना चलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इंटू 4.41। तो आपका पूरे मंथ का 1323 रुपया आपका पेट्रोल में जाता है, आई बात समझ में। अब ये मत बोलना सर 4 रुपया लीटर कहाँ मिलता है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है, आई बात समझ में, यस और नो। अब इसके बाद देखो लास्ट क्या दिया, ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी आपके रनिंग चार्जेस होते हैं, 10.5 रुपया पर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पे 10.5 रुपये का खर्चा है, तो कितना किलोमीटर चलती है वो पर मंथ, 3000 किलोमीटर चलती है। तो आप लगा सकते हो ना, अगर 100 किलोमीटर पे 10.50 रुपये का खर्चा है, तो आपकी महीने में कितना किलोमीटर चल रही है, 3000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। तो यही क्या है, ये भी आपका क्या है, रनिंग है। तो रनिंग में जाएंगे, ऑयल एंड सन्ड्री लिखेंगे, ऑयल एंड सन्ड्री को कैसे आएगा, 3000 / 100 किलोमीटर इंटू 10.5, आपको आंसर मिलेगा 1315 रुपये। समझ में आए कैलकुलेशन कैसा किया, 3000 से क्यों किया सर, 2,00,000 से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 3000 किलोमीटर जो है वो पर मंथ का है, और हम लोग सब डेटा किस में ले रहे हैं, पर मंथ का। ये जो 2,00,000 का डेटा है ये पूरे लाइफ का है, आई बात समझ में। तो पूरे खर्चे हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया, एक खर्चा रह गया। अब वो कौन सा खर्चा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला याद रखना, जब आप कोई एसेट को ऑपरेट करते हैं तो उसमें खर्चा आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, इसलिए जो मेन खर्चा है डेप्रिसिएशन का। तो आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन का तो कोई रूल ही यहाँ पे परसेंटेज ही नहीं दिया है, तो क्या करने का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप उसकी लाइफ देखो कितनी है। तो उसकी लाइफ कितनी है, 2,00,000 किलोमीटर की है कि नहीं है, तो 2,00,000 किलोमीटर लिखने का, बराबर है, कितना, 2,00,000 किलोमीटर। 2,00,000 किलोमीटर चलती है, और कितना की टैक्सी आती है, 54,600 की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मंथली डेप्रिसिएशन निकालना है, तो मंथ कितना रन करती है वो 3000, तो 2,00,000 के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3000 लिखना पड़ेगा, आई बात समझ में, यस और नो। तो आप अभी यहां पे 3000 लिखो,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस इस तरीके से होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 54600 इंटू 3000, तो 54600 इंटू 3000 डिवाइड बाय 200000 819, तो 819 जो आपका रहेगा वो डेप्रिसिएशन आएगा। देखो आया, आई बात समझ में? फिर से बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन कैसे निकालने का, जब परसेंटेज नहीं होता है। पूरा लाइफ लेने का उसका और पूरे लाइफ का खर्चा लेने का जितने में खरीदा है, और अपने को एक महीने का निकालना है तो वो एक महीने का किलोमीटर रखने का क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आपको आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे किया है देखो कैलकुलेशन में, 54 इंटू 1 डिवाइड बाय 200000 ये मैंने किया है, और अगर यहाँ देखेंगे तो ये सही है देखो, ठीक है। इसका वर्किंग मैंने यहाँ पे शो कर दिया है तो आप इसको देख सकते हैं, ये बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 54600 इंटू 3000 डिवाइड बाय 200000 819, समझ में आया? यस और नो? अब इसको क्या करने का, देखो सब खर्चे हो गए, एवरीथिंग वी कवर्ड। अब क्या करना है, अब हम लोग को करना है इसका टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालना है तो पहले क्या करने का, फिक्स चार्जेस कितने हैं भाई वो देख लो। तो टोटल फिक्स चार्जेस को हम लोग ए डिनोट करेंगे और इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं येल्लो से, ये सब का टोटल कर लो। तो टोटल आएगा 1301.50। सेम वे में रनिंग चार्जेस को टोटल कर लो, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं बी, तो बी का टोटल आएगा, इन दोनों का टोटल आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2131.33। तो अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा ए प्लस बी, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो दोनों का टोटल इसका और इसका, इन दोनों को टोटल किया तो आपको आंसर मिला 3432। तो एक टैक्सी को चलाने के लिए कितना, एक टैक्सी को चलाने के लिए पर मंथ कितना खर्चा होगा, 3432.83। आई बात समझ में? तो आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी कितना है, 3432। तो कितना हो जाएगा ये 3432.83, इतना खर्चा है भाई एक टैक्सी को चलाने का। फिर आगे क्या बोला है, पर इफेक्टिव किलोमीटर, लेकिन हम लोग को कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी तो मिल गया एक महीने का एक टैक्सी का, लेकिन एक किलोमीटर का कितना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे टोटल किलोमीटर, देखेंगे कितना है। तो एक महीने का इन्फॉर्मेशन है ना, तो एक महीने में कितना रन करती है वो 3000, और हम लोग को इफेक्टिव देखना है। इफेक्टिव का मतलब होता है जिसमें पैसेंजर बैठा हो। तो इसमें क्या बोला है, 30% इज रन विदाउट पैसेंजर, तो ये इफेक्टिव नहीं है, ये नॉन इफेक्टिव है। तो 3000 में से 30% निकाल दो, इसका मतलब 70% आएगा। तो कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव किलोमीटर और उसका फॉर्मूला लिखेंगे कि टोटल किलोमीटर रनिंग पर मंथ माइनस रन विदाउट पैसेंजर। तो टोटल किलोमीटर कितना चली थी, 3000 चली थी, उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 3000 का 30%, तो आई थिंक 900 आएगा। तो 3000 माइनस 900 तो आपको कितना मिलेगा, 2100। तो 2100 किलोमीटर जो है वो इफेक्टिव किलोमीटर है, और इसको रन करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, 3432.83। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर निकालना है तो इसके नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव किलोमीटर। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया था, 34 आया था ये अमाउंट आया था, और इफेक्टिव किलोमीटर कितना आया, ये आया ये वाला अमाउंट, बराबर है। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो नीचे लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, 34 32.83 डिवाइड बाय इतना, आपको आंसर आ जाएगा 1.63। तो एक किलोमीटर रन करने के लिए टैक्सी का खर्चा है 1.63। यही आपको आंसर निकालने आया था लास्ट 2 साल, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ जिससे पूरा क्वेश्चन विजिबल हो, यह आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया,
अंडरस्टूड। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो, पहले कॉस्ट निकाला, फिर किलोमीटर निकाला, फिर पर कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर निकाला। तो इस तरीके से सम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो होटल का करेंगे और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ट्रांसपोर्ट का करेंगे एडवांस सम। तो बाय द टाइम आप इसको गो थ्रू करो, इसका जो भी नॉलेज है, जो भी आपको समझना है वो समझ लो। कुछ डाउट आता है कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।